चलो चलो, बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। ओके, सो वी आर हियर विथ टाटो मरिज्म। हाँ चलो, लाइफ क्या रे, निकिता भी पढ़ती है, राजशेखर सर ने मुझे बताया। और निकिता को क्या है, रात में दिखती है ना, तो उसको भी चाहिए रहता है। और आपको तो पता ही है कि निकिता कैसे लेवल की स्टूडेंट है, टॉटोमेरिज्म। ठीक है, चलो अभी हम टॉटोमेरिज्म पढ़ते हैं। टॉटोमेरिज्म, तो टॉटोमेरिज्म क्या है, टॉटोमेरिज्म में, हाँ सर, लाइव कॉल उसके लिंक टेलीग्राम पर डाल दो। ठीक है भाई, अब देखो टॉटोमेरिज्म में हम देखते हैं, आप लोगों ने फेमस टॉटोमेरिज्म में एक चीज पढ़ी होगी जिसको हम बोलते हैं कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। किसी को कुछ बोलना रहेगा ना तो माइक से अनम्यूट करके बोल सकता है। चैटिंग वेटिंग का मेरे को मत दिखाओ, ये मैं बोर हो गया हूँ चैटिंग देख देख के। कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म में कीटो होता है, किनोल होता है। देखो ये यहाँ पर CH3, सी डबल बॉन्डेड ओ CH3, ये हमारे पास क्या है, एसीटोन है। दिस इज कॉल्ड एसीटोन। अभी एसीटोन में हम क्या करेंगे, हम या तो एच प्लस या तो OH माइनस के प्रेजेंस में कुछ तो रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के बाद फाइनली हमको क्या मिल रहा है, ये CH2 डबल हो गया, C सिंगल OH, और यहाँ पर हम देख रहे हैं CH3 बन गया। अब इस कंपाउंड में आप देखोगे कि एक डबल बॉन्ड दिख रहा है और एक OH दिख रहा है। तो OH क्या होता है, ऑल, और ये क्या है आपका, डबल मतलब इन, तो इसको हम बोलते हैं इनॉल। तो हम देख पा रहे हैं कि एसीटोन और इनॉल अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये सेम इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट इनके अंदर डिफरेंस आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है, एच प्लस, ये जो एच प्लस के फॉर्म में डिफरेंसेस आ रहा है ड्यू टू द एस्किलेशन ऑफ एन एटम, राइट, आर नोन एज टॉटोमर्स। तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, टॉटोमर पेयर बोलते हैं। तो ऐसे हमने बहुत सारे टॉटोमर्स पढ़े हैं, लेकिन अभी हम IIT लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो हम बहुत डीप में जाने वाले हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म के अंदर, राइट। सो व्हाट इज दिस कीटो इनॉल, दिस टॉटोमेरिज्म इज नोन एज कीटो, क्योंकि कीटो ग्रुप है, राइट। ये है कीटो ग्रुप, ये है इनॉल ग्रुप, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नंबर वन कॉल्ड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अभी हम देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। देखो दो इसके मैकेनिज्म है, अगर हम एच प्लस मीडियम में रिएक्शन करा रहे हैं, अगर एच प्लस मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो इसको हम बोलेंगे एसिड केटलाइज्ड, एसिड केटलाइज्ड। और अगर हम OH माइनस के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, बेस केटलाइज्ड, राइट, एसिड केटलाइज्ड एंड बेस केटलाइज्ड। नाउ वी आर गोइंग टू सी बोथ ऑफ देम, एसिड केटलाइज्ड एंड बेस केटलाइज्ड। तो फर्स्ट वन इज बेस केटलाइज्ड, बेस, इसमें थोड़ा सा GOC का इस्तेमाल होगा, बट उतना भी ज्यादा नहीं है कि जैसे आप लोगों को कुछ नहीं पता। आप लोग GOC में ऑब्वियसली बात जानते होंगे क्योंकि जे एडवांस के बच्चे हो, ऐसा तो मैं कंसिडर करके चलूंगा ही। CH3, सी डबल बॉन्डेड हो CH3, तो बेस केटलाइज मतलब मैं OH माइनस के प्रेजेंस में डाल रहा हूँ। अब OH माइनस क्या चाहेगा, इस मॉलिक्यूल से क्या एक्सपेक्ट करेगा, H प्लस एक्सपेक्ट करेगा, तो H प्लस दे देगा, राइट। ये OH माइनस क्या करेगा, एक H प्लस को ले लेगा, खींच लेगा। तो फाइनली अब क्या बच गया, CH3 सी डबल बॉन्डेड हो CH2, तो इसने H प्लस ले लिया, तो H प्लस ले लिया तो C के ऊपर क्या आ गया, माइनस चार्ज। अभी आप देखोगे यहां पर ना रेजोनेंस बनेगा, ये जो कार्बन आयन है, स्टार मार्क, ये जो कार्बन आयन है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, देख पा रहे होंगे, दिस कार्बन आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कैसे, माइनस सिंगल डबल, आप लोगों को याद आ रहा होगा माइनस सिंगल डबल। और हम इस तरीके से देखते हैं रेजोनेंस के लिए डबल हेडेड एरो इस्तेमाल होता है, तो CH3 ये माइनस इधर चला जाएगा और इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 बन जाएगा, बराबर। तो ये अभी यह बन गया। अभी यहां से हम ले रहे हैं पानी, HOH, पानी हमने डाला। अब तो पानी डालेंगे तो यो माइनस क्या बोलेंगे, एच प्लस आ जा रहे, तो एच प्लस आ गया, CH3 सी ओ एच डबल बॉन्ड CH2 बन गया, राइट। अब ये वाटर में से H निकल गया तो क्या बन गया, OH माइनस। तो हमने देखा OH माइनस रिएक्शन के पहले भी था, रिएक्शन के बाद में भी था, है ना, जीवन के साथ, जीवन के बाद, राइट। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि OH माइनस क्या है, कैटलिस्ट है ना, OH माइनस क्या है, कैटलिस्ट है, कैटलाइज्ड।
तो वी से दैट OH माइनस इज कैटलिस्ट, और अगर हम OH माइनस कैटलिस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि कैटलिस्ट का स्वभाव भी क्या होता है, कैटलिस्ट का स्वभाव क्या होता है, कैटलिस्ट का स्वभाव ही होता है कि वो रिएक्शन में सिर्फ रहता है लेकिन कुछ हेरफेर नहीं करता प्रोडक्ट के साथ, तो इसलिए हम बोलेंगे OH माइनस कैटलिस्ट है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, बेस कैटलाइज्ड टॉटोमेरिज्म, ठीक है ना, बेस कैटलाइज्ड टॉटोमेरिज्म, इसको ये हमने पढ़ लिया। तो ये था आपका कीटो वाला ग्रुप, कीटो ग्रुप था इसलिए कीटो, और यहां पर जो प्रोडक्ट बना ये इन भी है और OH ऑल भी है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इनऑल, तो दैट्स व्हाई वी से दिस एज कीटो इनऑल। लेकिन अभी क्वेश्चन आएगा कि सर कीटो ग्रुप और इनॉल ग्रुप, क्वेश्चन विच इज मोर एसिडिक, विच इज मोर एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, कीटो और इनॉल, राइट कैसे पता करें, वेरी सिंपल, हमारे पास कीटो ग्रुप जो है, इनॉल ग्रुप जो है, इनॉल ग्रुप इज मोर एसिडिक, वेरी गुड, वेरी गुड तन्मय, आंसर इनॉल इज मोर एसिडिक, वेरी गुड, इनॉल मोर एसिडिक है देन कीटो ग्रुप से, राइट, क्यों, क्यों ये एसिडिक है, क्योंकि ये H+ रिलीज कर देगा, अगर आप इनॉल ग्रुप को देखेंगे CH3 CH2, तो ये क्या करेगा, जल्दी H+ रिलीज करेगा, क्यों ये H+ रिलीज करना चाहेगा, क्योंकि जितनी जल्दी H+ रिलीज किया उतनी जल्दी O- बनाएगा डबल बॉन्ड CH2, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में चला जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, राइट, तो इसलिए क्या है, ये इनॉल क्या है, ज्यादा एसिडिक है, और दैट्स द रीजन जो कीटो ग्रुप होता है और इनॉल में ट्रांसफर होता है, तो कीटो जो होता है वो 99% से भी ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी, और ये जो होता है इनॉल 1% से कम स्टेबल होता है, कीटो और इनॉल में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, अगर आप 100 एग्जाम्पल लेते हो तो कीटो इनॉल के, तो 100 में से 95% केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल, आपको ऐसा मिलेगा, और 5% जो बच गए, रिमेनिंग 5% केसेस ऐसे मिलेंगे जिधर इनॉल इज मोर स्टेबल देन कीटो, लेकिन ये हम आने वाले एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, डन ना, तो कीटो इनॉल 99% एंड 1%, ओके, हाँ, तो कीटो इनॉल में हमने एक जो टॉप ये देखा था CH3 सी डबल बॉन्डेड हो CH3, तो यहां पर अगर आप इसका, इसने अगर H+ रिलीज किया, इसने अगर H+ रिलीज किया, राइट, तो कैसे दिखेगा, CH3 सी डबल बॉन्डेड हो CH2-, तो आप बोलोगे सर क्या ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा, जाएगा, और हमने जो इनॉल बनाया था ये अगर एक्सप्रेस रिलीज किया तो क्या बनेगा, CH3 CO- डबल बॉन्ड CH2, तो बोलोगे सर ये भी तो रेजोनेंस में जाएगा, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड प्रितेश, आपने एकदम सही बोला, क्या है यहां पर अगर आप देखो, यहां पर माइनस चार्ज इज ऑन कार्बन, इधर माइनस चार्ज इज ऑन ऑक्सीजन, सो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल, हमने पढ़ा था एक फैक्टर स्टेबिलिटी, ये हम जीओसी में फिर से पढ़ेंगे, एटम इज मोर स्टेबल, बराबर, राइट, तो हमने ये बोल पाएंगे कि इनॉल वाला बंदा इज मोर स्टेबल और मोर एसिडिक देन द कीटो वाला बंदा, तो हमने ये पढ़ लिया है। तो ये हमने मैकेनिज्म जो देखा वो किसके लिए देखा, एसिड बेस कैटलाइज्ड के लिए, अभी हम देखते हैं एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म देखते हैं, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, यू हैव ऑलवेज दिस अपॉर्चुनिटी, देखो हमारे पार्टिसिपेंट एक एक करके घटते चले जा रहे हैं, अथर्व हर्षल जयदीप प्रीतेश सोहम तन्मय, क्या हो रहा है, बाकी सारे बच्चे कहाँ गए, कल तो 12 थे, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी अंत तक वही टिकेगा,
जो टिक सकता है। देखो सी एच थ्री सी डबल बॉन्डेड हो सी एच थ्री, अभी हम क्या करेंगे एसिड कैटलाइज्ड ना, तो क्या डालेंगे एच प्लस। ये लिखे क्या सर कि नोट्स में है ये? क्या क्या नोट्स में है के सब कुछ? ये सब नोट्स में क्या है एम एस सर की नोट्स में रहेगा कि नहीं रहेगा मैं देखा नहीं, चेक नहीं किया ये वाला चीज। तो लिखे ना अभी हम? नहीं नहीं लिखो मत, ये सब मत लिखो, ये सब क्या है आपको मैं स्लाइड भेज दूंगा, एक बार मैं अच्छे से स्लाइड सेव करके रखता हूँ, मैं आपको इसका प्रॉब्लम दूंगा ना। देखो जे डबल एडवांस की क्लास में थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, थ्योरी समझो डाउट हुआ पूछो प्रॉब्लम। तो ये है देखोगे लोन पे रहेंगे। अभी क्या होगा इससे क्वेश्चन कैसे आता है? क्या क्या क्वेश्चन कैसे आता है इससे? अभी कराऊंगा ना रे, कराऊंगा टेंशन मत ले, क्वेश्चन कराने के लिए तो मैं बैठा हूँ इधर देखो। हाँ मतलब थ्योरी पर आता है या मैकेनिज्म पर आता है? मैकेनिज्म ना मैकेनिज्म, अरे थ्योरी वो तो जे डब्ल्यू वालों के लिए, इधर तो एडवांस में मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इधर देखोगे डबल बॉन्ड ओ, ये तीसरा बॉन्ड है, जैसे ही इस ऑक्सीजन पे तीन बॉन्ड आ गए तो ओ के ऊपर आ जाएगा प्लस, इसका कॉन्सेप्ट आपका केमिकल बॉन्डिंग में था क्लियर, एक दो तीन चार पांच, एक लोन पे डोनेट कर दिया ना तो वैलेंसी से आसपास की इलेक्ट्रॉन वैलेंसी से कम हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पांच हो गए, एक ही लोन पेयर बचा तो इसलिए प्लस आ गया। अभी सी एच थ्री, अभी ये हो गया आपका। नाउ यू सी कि अब ये वाला बंदा क्या करेगा, बोलेगा ओ तो प्लस हो गया चलो अभी मेरे को कुछ करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये इसको अपना क्या करेगा डोनेट करेगा, ये लोन पेयर इस तरफ आना चाहेगा, ये लोन पेयर इस तरफ आना चाहेगा, और इधर जो है बंदा, इधर जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बोलेगा मैं अपनी बलि दूंगा। अब जैसे ही ये ओ के ऊपर शिफ्ट होगा तो अब ये प्लस न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन कार्बन के ऊपर तो डेल्टा प्लस आ गया, तो उसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा? फिर एच बोलेगा आप टेंशन मत लो मैं अपना आपको निकल कर जाता हूं, तो इस पूरे मॉलिक्यूल से एच प्लस निकल जाएगा और फाइनली आपको कुछ ऐसा कंपाउंड दिखेगा कि सी का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में ओ एच बन चुका है, तो ये वाला सी डबल बॉन्ड सी एच टू हो गया है और एच प्लस निकल आया है बाहर, तो जो अंदर गया था एच प्लस वो बाहर फिर निकल आया, इसलिए हम क्या बोलेंगे एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म, राइट। तो ये था आपका कीटो, और अगेन आप यहाँ पर जो बना है क्या बना है इनॉल, ये इन है ये ऑल है। अभी आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म बताओ या बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म बताओ, दोनों में प्रोडक्ट तो सेम ही आ रहा है, राइट। इन बोथ केसेस प्रोडक्ट इज सेम, तो ठीक है अगर आप ऐसा बोल रहे हैं ना, तो फिर अभी हम क्वेश्चन करते हैं। नाउ द टाइम्स कम फॉर यू टू टेक अप द पेन एंड राइट इट ऑन द नोटबुक। तो क्वेश्चन इज सी एच थ्री सी डबल बॉन्डेड ओ सी एच टू सी एच थ्री। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस प्रकार से एक रूट ले रहा है H प्लस और एक रूट ले रहा है OH माइनस, यहां पर प्रोडक्ट बन रहे हैं सपोज Q1 प्लस Q2, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, और इधर प्रोडक्ट बन रहा है दो प्रोडक्ट P1 प्लस P2। आइडेंटिफाई, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स। सेकेंड, फाइंड द मेजर माइनर, मेजर प्रोडक्ट कौन माइनर प्रोडक्ट कौन इन Q1 Q2, इन दोनों मेजर माइनर कौन होगा एंड P1 P2 में मेजर माइनर कौन होगा, ये पता करना है। अब आप सोचोगे सर अभी तो हमने क्या पढ़ा और क्वेश्चन क्या आया, पूरा दिमाग घूम गया, मतलब कुछ दिमाग विमाग नहीं घुमा है, सब सही है। सबसे पहला देखो क्या है, हम बेस कैटलाइज्ड लेते हैं, अगर हम बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म से जाएंगे जो कि P1 P2 बनाता है तो क्या आएगा प्रोडक्ट में, मैकेनिज्म बेस्ड ना क्वेश्चन, जे डब्ल्यू एडवांस मैकेनिज्म बेस्ड आता है। तो अभी देखो इस डबल बॉन्ड ओ के साइड में ये कार्बन और ये कार्बन के साथ डबल डबल बन सकता है, तो हम कंसीडर करते हैं ओ एच माइनस ने क्या किया, इस वाले एच से एक एच प्लस खींच लिया, तो ये बंदा तो बन गया सीधा सीधा सी एच टू, राइट, और ये बंदा बन जाएगा सी एच टू बन गया, माइनस चार्ज आ गया सी डबल बॉन्डेड ओ सी एच टू सी एच थ्री। तो इस केस में जो इंटरमीडिएट बना है ये बना है, फिर प्रोडक्ट जो बनेगा क्या बनेगा, फिर ये माइनस इधर जाएगा रेजोनेंस से होकर इधर चला जाएगा, ये सी एच टू डबल सी ओ एच सी एच टू सी एच थ्री, तो ये बन गया प्रोडक्ट पी वन। अभी दूसरा जो कार्बन का इनकाउंटर होने वाला है वो कौन सा कार्बन है,
जो सी डबल बॉन्डेड होके राइट साइड में, तो एच बोलेगा अरे तू कहीं से बच गया रे, तेरे को भी तो उड़ाता मैं, सी एच थ्री सी डबल बॉन्डेड हो, सी एच माइनस चार्ज आ जाएगा सी एच थ्री, ये इधर रेजोनेंस बन जाएगा, इधर बन जाएगा, और फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा आपको सी एच थ्री सी ओ माइनस, ऑब्वियसली बात है इधर एच टू आ जाएगा इस स्टेप में, इस स्टेप में भी एच टू आ जाएगा, और एच टू से वो एच प्लस खींच के OH बन जाएगा डबल सी एच सी एच थ्री, ये आ गया प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट नंबर टू। तो आप बोलोगे सर प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट टू तो बन गया, लेकिन अभी सर स्टेबिलिटी कैसे चेक करें, हाउ शुड वी चेक द स्टेबिलिटी नहीं मेजर माइनर राइट, तो अभी मेजर माइनर कैसे चेक करें, वेरी सिंपल। तो देखो कभी भी अगर आपको सेकेंड वाला मेजर है, ओके रुको मैं बताता हूँ, स्टार मार्क करके देखना है, बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए याद रखना, रुको रुको अल्फा हाइड्रोजन देखने ना, नहीं 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 बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए, बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए इंटरमीडिएट से स्टेबिलिटी चेक की जाती है, इंटरमीडिएट से स्टेबिलिटी चेक की जाती है, राइट। तो इंटरमीडिएट इधर है, ये रहा इंटरमीडिएट हमारा, और ये रहा इधर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट वन इंटरमीडिएट टू। अब आप बताओ इन दोनों में से कौन सा कार्बेनायन, क्योंकि इधर इंटरमीडिएट किस टाइप का बना है, कार्बेनायन फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला, वेरी गुड, क्यों, क्योंकि ये आपका रेजोनेंस में स्टेबलाइज हो गया। अच्छा बताओ हर्षल की सेकंड वाला इंटरमीडिएट को हमने स्टेबल क्यों नहीं, मतलब मेजर क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि वो CH3 प्लस आई कर रहा है ना उधर, हाँ ये प्लस आई से इसको इसका नेगेटिव इफेक्ट को और बढ़ा दे रहा है राइट, मिथाइल ग्रुप, तो इसलिए इंटरमीडिएट टू जो हो गया वो थोड़ा कम स्टेबल, लेकिन इंटरमीडिएट वन ज्यादा स्टेबल। सो इंटरमीडिएट यानी कि कार्बेनायन वन इज मोर स्टेबल देन द इंटरमीडिएट टू, सो वी से दैट प्रोडक्ट वन इज मोर स्टेबल देन द प्रोडक्ट टू, मेजर प्रोडक्ट वन इज मेजर एंड दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर, तो एक चीज तो हो गया हमारा आंसर, ये सबने छाप लिया, हरे कृष्णा छापा, छापा ना, ओके थोड़ी स्पीड स्पीड यहां पर काम में आएगी। अब हम देखते हैं बेस कैटलाइज्ड, बेस कैटलाइज्ड हो गया, एसिड कैटलाइज्ड देखते हैं। अभी एसिड कैटलाइज्ड में पहले ही मैं बता देता हूं, एसिड कैटलाइज्ड में प्रोडक्ट का मेजर माइनर प्रोडक्ट को देखकर बताते हैं, प्रोडक्ट को देखकर बताते हैं। तो उधर आप एल्कीन की स्टेबिलिटी देखकर बताओगे, तो हमारे पास सी एच थ्री सी डबल बॉन्डेड हो सी एच टू सी एच थ्री, तो इधर है आपका एच प्लस, ये खाएगा इसको, तो सी एच टू इधर से एच जाने की संभावना है पहले केस में, डबल बॉन्डेड ओ प्लस चार्ज आ गया एच, तो ये बोलेगा मैं अपना कुर्बान कर देता हूँ अपने आप को, तो ये हो जाएगा सी एच टू डबल सी, क्यों अभी समझ में आया ना, क्यों हम इसमें प्रोडक्ट को देख के बता रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या इंटरमीडिएट क्या बन रहा है भाई, इसमें इंटरमीडिएट तो कुछ बनाकर दिखाओ हमको, इधर में लिखा नहीं था सी एच टू सी एच थ्री, तो ये बन गया क्यू वन सी डबल बॉन्डेड ओ एच प्लस सी एच टू सी एच थ्री, इसको खाएगा, लेकिन इस बार कुर्बानी कौन देगा, ये देगा, अब आप बताओ प्रोडक्ट देखकर बताओ Q1 Q2 में से ज्यादा बताओ मेजर कौन माइनर कौन, दूसरा वाला, दूसरा राइट मेजर अल्फा, ये आपका सिस्टम हो गया, इसमें अल्फा एच कितना है 6, इसमें आपका सिस्टम ये हो गया अल्फा एच कितना है
सल्किन की स्टेबिलिटी नंबर ऑफ अल्फा एच के ऊपर डिपेंड करती है, तो वी से दैट क्यू टू इज मेजर एंड क्यू वन इज, अभी समझ में आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड कैटलाइज्ड एंड बेस कैटलाइज्ड? ओके गुड, तो ओके ये छाप लिया। तो एक और एक इसी मॉडल का क्वेश्चन हम देते हैं आपको, डन। चलो अथर स्पीड पकड़ पा रहे हो तो? हाँ सर। ओके और कौन कौन है? सोहम, जयदीप, सोहम, हाँ सर। ओके ओके आप लोग बोलिए, बोलिए मेरे को माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है तो अनम्यूट करके बोलिए। ओके क्वेश्चन सर, स्क्रीन शेयर नहीं किया। ओके तो हमारे पास ये है OH- माइनस से P1 P2 बनेगा और H+ प्लस से Q1, Q2। अब आप बताइए P1, P2 और Q1, Q2 कैसा दिखता है? बन जाए तो अंगूठा छाप दीजिएगा, ज्यादा टाइम मत लीजिए, मैक्सिमम 2 मिनट्स में बनेगा, फटाफट बनेगा। विदाउट विदाउट क्या है, आप ये लगाइए मैकेनिज्म, विदाउट मैकेनिज्म आंसर बनता है, मैकेनिज्म दिमाग में चलना चाहिए। चाहे एसिड कैटलाइज्ड हो या बेस कैटलाइज्ड, प्रोडक्ट तो एक जैसे ही बनेंगे, खाली मेजर माइनर में अंतर आएगा। बन गए सर, बन गए। आवाज क्लियर नहीं आ रही तन में, देखो चेक करो कुछ इस तरीके से बने होंगे आपके आंसर, ऐसे बने हुआ भी आएगा ना। हाँ P1 P2 भी ऐसे आएगा, Q1 Q2 भी ऐसे आएगा, ऐसा करो राइट। लेकिन मेजर कौन सा है P1 P2 में? P2 पहले वाले में P1 और सेकंड वाले में Q2। पहले वाले में रुको, P1 पहले मुझे Q1 बताओ, क्योंकि उसमें हम प्रोडक्ट के बेसिस पे देखते हैं ना, तो अल्फा एच कितना है? अल्फा एच कितना है इसमें? सात। कितने है? सात। सात। और इसमें अल्फा एच कितना है? तीन। एक, दो, हाँ, तीन। हाँ। तो Q1 Q2 में तो अल्फा एच के ऊपर डिपेंड करता है प्रोडक्ट, तो ये बन गया मेजर और ये बन गया माइनर, बराबर ना? हाँ। और बेस कैटलाइज्ड आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर? कार्बेनायन के ऊपर, तो इधर का माइनर इधर मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा। हमेशा उल्टा तो हाँ, हमेशा उल्टा आएगा क्या सर? नहीं नहीं हमेशा उल्टा नहीं आएगा, ये क्वेश्चन ही कार्बेनायन की स्टेबिलिटी जाती ना उधर। हाँ वो कार्बेनायन पर लगा, ओके। अच्छा आप अपनी नोटबुक में इनॉल फॉर्म बनाइए इसका, ड्रॉ द इनॉल फॉर्म, इसका आप इनॉल फॉर्म बनाइए।
बन क्या होगा, इसका सिर्फ एक ही इनऑल फॉर्म बनेगा और वो है ऐसा। हाँ सही राइट। तो ये हो गया हमारा कुछ क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए। अभी देखो मैंने नॉर्मली आपको बोला था कि कीटो फॉर्म जनरली, क्या मैंने बोला था कि कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म से स्टेबल होता है, बट कुछ केसेस में 5% केस ऐसे होते हैं जहां पर इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म से ज्यादा स्टेबल आता है। तो अब हम वो वाला चीज देखते हैं, इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म कब, पहला एरोमेटिक करेक्टर रहेगा जब, तब आपका इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कीटो फॉर्म। दूसरा रहेगा स्टेरिक फैक्टर भी देखा जाता है, साइज ऑफ द ग्रुप, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एंड चौथा इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन केसेस में इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाता है इससे, राइट। जैसे कि एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्डेड O, CH2 C डबल बॉन्डेड O, CH3। अब यहां पर अगर आप देखोगे CH2 डबल COH, CH2 C डबल O, CH3, बराबर ना। सो दिस इज इनॉल। तो इनॉल में क्या हो रहा है, ऐसा इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है, तो हम बोलेंगे इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन द कीटो फॉर्म, ठीक है ना। सर एक मिनट, पिछला क्वेश्चन लो ना। क्या लास्ट क्वेश्चन लो ना, एक मिनट लास्ट क्वेश्चन। हाँ, और उसमें वो मेजर बनाया ना, दो नंबर का मेजर है ना, वो कैसे बना वो एक बार बताओ ना। कौन सा ये लास्ट वाला? हाँ, उसके ऊपर वाला। हाँ, तो इसमें क्या है, इसमें आपका ये देखो ना, ये है अभी ये जो डबल है कीटो, हाइड्रोजन किधर से मिलेंगे, इधर से मिल सकते हैं उसको हाइड्रोजन, और इधर से हाइड्रोजन मिल सकता है। तो या तो ये डबल इस वाले भी इधर बनाएगा, या तो ये डबल इधर बनाएगा, दो केसेस है ना इसके। हाँ, तो इसलिए हमने ऐसा वो स्टेबल कब बनेगा वो दूसरा वाला, कौन सा वाला, दूसरा वाला मेजर कब होगा? P2 वाला पूछ रहे हैं आप, वो हाइड्रोजन जाए तो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज आएगा ना, तो नेगेटिव के स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। हाँ, नेगेटिव। ये जो P2 हम देख रहे हैं, P1 P2 जो देख रहे हैं ना, ये देखो पिछला वाला स्लाइड देखो क्या है। पिछले स्लाइड में हमने क्या बताया था, अगर कोई आप बेस कैटलाइज्ड से प्रोडक्ट बना रहे हो, तो बेस कैटलाइज्ड में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है उसके इंटरमीडिएट आयन पे, इंटरमीडिएट पे। तो इंटरमीडिएट कार्बन आयन है, बराबर ना। और अगर हम कोई एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है प्रोडक्ट पर ही, एल्कीन जो बना। तो वैसे यहाँ पर जो P1 P2 बना, वो P1 P2 में ये जो बना है, इसका आप ये निकालो ना, क्या बोलते हैं, एनायन कहाँ बनेगा इस केस में, एनायन आपका कहाँ बनेगा, अगर देखोगे इधर बनेगा इस पॉइंट पे, है ना, दिख रहा है मेरा पॉइंटर। अगर आप क्या बोलते हैं P1 में अगर एनायन बनाओगे तो इधर बनेगा इस पॉइंट पे, राइट। तो इधर ऑलरेडी क्या है, इधर ऑलरेडी एक मिथाइल ग्रुप है, तो उस एनायन को और अनस्टेबल कर देगा, इधर वो मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर हो सर? ओके ओके, राइट। तो ये देख पा रहे हो, यहाँ पर हमने कीटो बनाया और इनॉल बनाया, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो गया, इनॉल कीटो से ज्यादा स्टेबल हो गया। तो मतलब ये चार फैक्टर अगर खेल सकते हैं, और खेलने से हमारा कभी कभी इनॉल भी कीटो से ज्यादा स्टेबल हो सकता है, ये लिखना मत, ये आपको स्लाइड में मिल जाएगा। तो ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉर्मेशन ऑफ सिक्स मेंबर
रिंग टेक्स प्लेस. पिछले वाले एग्जांपल में वही देखा था, 6 मेंबर का रिंग बना था, टेक्स प्लेस. और 6 मेंबर का रिंग अगर बन रहा है इस टेबल, 6 मेंबर का रिंग को स्टेबल कंसीडर किया जाता है. देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर का बना दे, 5 मेंबर लोग, लेकिन ये जो है 6 मेंबर तो नहीं बना, 5 मेंबर बना. और एक सी तू डाल दे सर. डालने में क्या है, तू डाल देगा ना. अच्छा अच्छा, 6 मेंबर का रिंग ना, ये सी, ये सी, ये सी, ओ, ये एच है, एच और ओ, ये छह आगे, छह आएंगे, 1 2 3 4 5 6, एक एक कार्बन, एक एक एटम को कंसीडर करो, तो स्टेबल बनता है. क्या बोला अतर ने, एक और एक सी एच डाल दो. तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चीज ऐसी है, ये ग्रुप है और ये ग्रुप कुछ भी हो सकता है, और बीच में क्योंकि 6 मेंबर का रिंग बनाना है तो डेफिनेटली कुछ इसी पैटर्न का बनना चाहिए. जी टू है, जी वन है, कोई ग्रुप है, ठीक है. तो इफ 6 से कम का बना तो सर, तो स्टेबल नहीं, वो स्टेबल नहीं, फिर कीटो स्टेबल जाएगा. वो 6 मेंबर यूनिक है करके इसलिए उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है. हाइड्रोजन बॉन्ड हो तभी भी, हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड हो तभी भी. देखो इफ जी, अगर आपका जी वन जी टू ये हटा दो, दोनों सेम 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 सेम, सो जी इज इक्वल टू एच, या फिर आपका हो सकता है पी एच फिनाइल हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, और ओ सी एच टू एच फाइव हो सकता है. तो परसेंटेज ऑफ इनॉल अगर एच एच रहा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो 80 से 90% इनॉल आपका ज्यादा बनेगा इस केस के लिए. फिर अगर फिनाइल रहा तो 90 से 99%, क्योंकि रिजोनेंस आ गया. सीएचसी रहा तो 70 से 80%, और ओ सी टू एच फाइव रहा तो परसेंटेज काफी घट जाएगा. क्यों? क्योंकि आपका ओ जो है वो गड़बड़ करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा करने में. कैसे, जरा चेक करो, सी एच थ्री, सी डबल बॉन्डेड ओ, सी एच टू, सी डबल बॉन्डेड ओ, ओ सी टू एच फाइव आपने ले लिया, ऐसा ले लिया. अब आप क्या कर रहे हैं, सी एच थ्री, सी डबल बॉन्डेड ओ, फिर यहाँ सर, यहाँ पर आपका सी एच माइनस बना होगा, सी डबल बॉन्डेड ओ, और ये हो गया आपका ओ सी टू एच फाइव, है ना. कार्बेनाइन बनाए मतलब कौन सा है, बेस कैटलाइज्ड. ओ एच माइनस ने डेफिनेटली इस कार्बन से हाइड्रोजन निकाला है. तो इसलिए ओ सी टू एच फाइव आने की वजह से इनॉल का जो परसेंटेज होता है वो मात्र 5 से 10% ही स्टेबल होता है, और बाकी का ये मोर स्टेबल होता है कीटो परसेंट, ठीक है ना. वो परसेंट इम्पोर्टेंट है क्या, क्या परसेंट इम्पोर्टेंट है? नहीं, परसेंट ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन क्वेश्चन आएगा आपको कि कंपेयर करो, कंपेयरिंग क्वेश्चन अभी मैं देने वाला हूँ थोड़ी देर में, तो उसमें पता होना चाहिए ना. ये तो एक टेक्निकल डेटा दे रखा है ताकि ये बताने के लिए. अभी देखो क्वेश्चन वही है, कंपेयर द इनॉल प्रेजेंट, इनॉल परसेंट, अभी कंपेयर करना है. तो इसमें परसेंटेज नहीं चाहिए बट कॉन्सेप्ट चाहिए. तो ये वाला क्वेश्चन आप लिखिए, दिस इज द क्वेश्चन, आपको नोटबुक में लिखनी है. सी एच थ्री सी एच ओ, बी सी एच थ्री, सी डबल बॉन्डेड ओ सी एच थ्री, सी सी एच थ्री, सी डबल बॉन्डेड ओ सी एच टू, सी डबल बॉन्डेड ओ सी एच थ्री, डी सी एच थ्री, सी डबल बॉन्डेड ओ सी एच टू, सी डबल बॉन्डेड ओ एच, ई एच, सी डबल बॉन्डेड ओ सी एच टू, सी डबल बॉन्डेड ओ एच एफ, पी एच, सी डबल बॉन्डेड ओ सी एच टू, सी डबल बॉन्डेड ओ सी एच थ्री, जी पी एच, सी डबल बॉन्डेड ओ सी एच टू, सी डबल बॉन्डेड ओ पीएच. लो, आप लोगों के सामने
एक दो तीन चार पांच छह सात सात हैं और इन सातों में कंपेयर करना है कि किस में इनऑल परसेंटेज ज्यादा बनेगा, मतलब कंपेयर करो, एक ऑर्डर बनाओ, मेक एन ऑर्डर। आप एक ऑर्डर बनाइए, मेरे पास डायरेक्टली आंसर है तो मैं उस ऑर्डर को यहां पे लिख दूंगा, आप चेक करना सही आएगी गलत है। सर बताओ क्या? हाँ बताओ ना, बताओ। चार दिन में सबसे पहले जी आएगा, उसके बाद ये आएगा, क्या उसके बाद ई आएगा। हाँ बोलो। सबसे पहले जी होगा, उसके बाद एफ होगा, उसके बाद ई होगा, उसके बाद डी होगा, फिर सी, फिर ए और फिर बी। नहीं नहीं नहीं, इतना सी तक सही बोला आपने, सी तक सही बोला, जी एफ ई डी सी, उसके बाद पहले ए और फिर बी। ए बी आपने पहले ए बोला फिर बी बोला ना, वैसा नहीं, इसमें पहले बी आएगा, इसमें चार जो ये ले, पहले बी आएगा फिर ए आएगा। पहले बी आएगा फिर ए आएगा, देखने में दिक्कत आती है। ओके सर, समझा। समझे ना? हाँ। आपने जो बनाया है बहुत सही बनाया है। तो बाकी लोगों का ऐसा आया? परसेंटेज दिखाओ ना एक बार, लो देखो। ये इस पे सूट नहीं करता है इसका चार्जर। राइट, पहले जी, फिर उसके बाद एफ, उसके बाद फिर क्या था, जी एफ, जी एफ के बाद सी, ई था ना, जी एफ, अच्छा हाँ ई भी है, जी एफ ई, ई के बाद फिर क्या है, डी, डी, हाँ, डी के बाद सी, डी, सी, अब बी और ए बचे, तो बी और ए में ए होना चाहिए, बी पहले, बी पहले आएगा, उसके बाद, हाँ, वो ए, ए में एक ही ए के साइड में करेगा ना? हाँ एक्चुअली क्या है ना, देखो ये छह मेंबर वाले थे ना सब, तो इसलिए उसमें वो बैठ गया, ये तो एक, इसमें कौन सा छह मेंबर बन रहा है, इसमें दो आइडेंटिटी स्ट्रक्चर बन रहा है बी में, बी वाले में। देखो इसमें क्या है ना, इसमें अब रेजोनेंस की क्या है, एक ही रेजोनेंस बन सकता है ए में, लेकिन बी में दो रेजोनेंस बन सकते हैं, तो जिसमें रेजोनेंस बना वो हमारा फायदेमंद हुआ ना। समझे, समझ गए ना सभी स्टूडेंट्स? CH3 और H में कैसे कंपेयर करेंगे सर? किसमें किस, अरे इसमें देखो ना, CH3 H में देखो, ये सारे क्या थे, C D उसमें ने, G and D में, G and D, D में, D and E, sorry, D and E में ना, हाँ, तो देखो D में क्या है, CH3 है, इधर HH है, अगर दोनों HH है तो ज्यादा स्टेबल है H, देखो इधर क्या है, G दोनों सेम ग्रुप है, अगर H है तो फिर आपका क्या है 80-90%, सी एच थ्री है तो 70-80%, क्योंकि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि स्टेरिक फैक्टर भी तो आ रहा है ना। हाँ हाँ सबको, मतलब सबको मिला के वो ऑड रहे ना, क्या हुआ, सारे फैक्टर्स को मिला कर वो ऑर्डर बने गए। हाँ करेक्ट, इसमें एक्चुअली इसमें वही है कि इसमें लॉजिक थोड़ा कम लगेगा और बताई हुई चीजें भी ज्यादा लगेंगी सर। हाँ बोलो। ए सिक्स मेंबर का क्या लोचा है? अरे तो सिक्स मेंबर का बोलते स्टेबल होता है ना, आपको तो बताया था, छह मेंबर का रिंग होता है वो स्टेबल होता है, तो उससे और इसका क्या रिलेशन है? होता है, कल तो हुआ था पूरा रिलेशन में, उसका और इसका रिलेशन क्या है फिर?
किसके किसमें? अरे छह मेंबर का रिंग आप इधर देख रहे हो, छह मेंबर का रिंग ऐसा बना है, लेकिन एक्चुअली साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। अगर एक बार छह मेंबर का रिंग बन गया ना तो एक साइक्लोहेक्सेन पकड़ लेता है। और हमने क्या सीखा था जीओसी में, थ्री मेंबर से ज्यादा स्टेबल चौथा, चौथा से ज्यादा स्टेबल पांचवा, पांचवा से ज्यादा स्टेबल छठा, फिर सातवा भी इससे कम स्टेबल हो जाएगा। राइट ना, वही कॉन्सेप्ट। मतलब सात का बना तो भी किटो ही ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ सात नहीं, सात वाला बन गया तो भी क्या है आपका, छठा वाला छह मेंबर का रिंग ही ज्यादा स्टेबल होता है। क्वेश्चन भी आपको वैसे ही पूछेगा कि जिसमें छह मेंबर के बन रहे, नहीं तो फिर क्यों वो इतना घुमाएगा। बेटर सेवर में है, देखता हूँ चलेगा। ये क्वेश्चन बन गया, इस क्वेश्चन का आंसर मैं लिख देता हूँ ताकि, अरे क्या स्लाइड वाइड खत्म हो गए हमारे, देखो कितना पढ़ाई कर रहे हैं, स्लाइड कम पड़ गए, स्लो हो गया हमारा स्पीड, स्लाइड तो बहुत लिए थे मैंने। ओके तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो द राइट आंसर इज, राइट आंसर इज किसके लिए, ओनली एंड ओनली फॉर निकिता। निकिता बिचारी सुनेगी तो उसको पता चलेगा कि देखो क्लास में नहीं है फिर भी। ओके क्वेश्चन, फाइंड द इनॉल फॉर्म ऑफ द गिवन कंपाउंड। इसका इनॉल फॉर्म बनाइए, मैं जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन छापता हूं। आंसर सर, हाँ बोलिए। वहां हमेशा sp3 होना चाहिए ना? हाँ तो यहाँ कैसे होगा? तो इधर से खींचेगा ना, नीचे से। क्या लग रहा है ये जो बंदा हाँ, है अरे वैसे भी अगर OH- आया ऊपर से, हाँ सर H+ आया तो हो जाएगा। किसे भी बनाओ वो बना ही लेगा, बराबर ना। ये इधर, ये इधर जाएगा और फिर वही, इसलिए मैंने बोला था ये टॉपिक क्या रेजोनेंस में घुसता है, मतलब जीओसी में जाता है। अभी इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और पानी इधर है और पानी डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी तो आप एडवांस के बच्चे हो, है ना। तो ये इसका इनॉल बन जाएगा और ये इनॉल जो बनना ना, ये बेंजीन बन गया बराबर।
तो बेंजीन तो भाई 99.9% डेंजर। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने ये कंपैरिजन के ऊपर क्वेश्चन दिए, अब आप कंपेयर करो इनमें इनल कंटेंट क्या है इसी कंपैरिजन इसी कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर। बेंजीन बेंजीन मतलब क्या, एरोमेटिक करेक्टर ना, हाँ 2n+π इलेक्ट्रॉन, दैट इज हकल रूल, हम पढ़ेंगे फिर से उधर। अच्छा ये बताओ, बोलो एबीडीसी, एबीडीसी वेरी गुड, वाह 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 वाह, एबीडीसी तन में तो पूरा स्पीड स्पीड आंसर दे रहा है, बाकी सब लोगों का चल रहा है? समझ में आया ना एबीडीसी कैसे बना? इधर इधर माइनस बनेगा तो NO2 खींच लेगा, स्टेबल कर देगा, Cl है ये रेजोनेंस से स्टेबल करेगा, ये आपका माइनस से स्टेबल करेगा, ये माइनस M लिखता हूँ, ये माइनस I लिखता हूँ, ये प्लस I से अनस्टेबल करेगा, और इधर क्या है कुछ भी नहीं है, नो इफेक्ट है, इसलिए GOC का कंसेप्ट इधर यूज हुआ है टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो डेफिनेटली हमारा हमारा स्टेबिलिटी तो पूरा था कार्बेनायन के ऊपर, स्टेबिलिटी तो कार्बेनायन के ऊपर डिपेंड कर रहा था। चलो डेंजर, वेरी गुड, मुझे अच्छा लगा कि आप लोग क्या है अभी तक जीओसी के कॉन्सेप्ट याद रखे हो, गुड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनॉल फॉर्म ऑफ इसका इनॉल फॉर्म निकालिए। नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लारदायिने, हिरण्यकशिपु पुरुषः, शीलकंकणकाय, बना अनस्टेबल बनेगा ना सर इसमें, लेकिन इसका सिर्फ इनॉल फॉर्म ही बनाना है, ये एच है, इधर भी एच है, दो पॉसिबल है ना, दो पॉसिबल नहीं, हाँ दो पॉसिबल है, नीचे बेंजीन ऊपर बेंजीन, बस वो अंदर ही अंदर स्ट्रगल हो जा रहा है। बहिर नरसिंहारी जाये नरसिंहा, नरसिंह मदिन शरणं प्रपदे, तव करा कमलवारे नाखां दूताश्रय, इस तरीके से हो जाएगा, मैंने बनाया नहीं डायरेक्टली बना रहा हूँ, यही सा अगर इधर से खींचा जाएगा तो यही सा एक ये बन सकता है, नहीं तो दूसरा वाला ये अंदर ही अंदर रेजोनेट करेगा, और क्या अंदर ही अंदर रेजोनेट करेगा, है ना हर्षल? हाँ सही, राइट। तो अगर देखा जाए ये दोनों अलग नहीं है, ये सेम ही है, क्योंकि बेंजीन को हम वो सेम ही पकड़ते हैं ना, एक ही मत पकड़ते हैं, बाहर कुछ चेंज होता तो अलग बात होती। सो दिस इज डन, नाउ लेट अस गो टू द हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट वाला आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट वाला सॉरी, इसी टॉटोमेरिज्म का एक तो हो गया कीटो इनॉल, अब दूसरा कौन सा है, नाइट्रो एसिड, इसको हम बोलते हैं एसी नाइट्रो फॉर्म। सर वो पिछले वाले क्वेश्चन को मैकेनिज्म से बनाओ ना एक बार, मैकेनिज्म माइनस 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 चार्ज पास में नहीं आएंगे क्या दोनों के? देखो नेगेटिव चार्ज वो एंड पे आएगा ना, ये OH- ने खींचा तो माइनस इधर आया, वो रिजोनेट कर जाएगा ना बाबा, वो तब तक रिजोनेट कर जाएगा, जैसे पिछले वाले एग्जांपल के आधार का ही क्वेश्चन है, ये माइनस इधर आया तो डबल इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, हाँ 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 समझा
समझे ना, वो वही कॉन्सेप्ट है। आप बोल रहे इधर डबल डबल है, वो इधर कूद चुका होगा तब तक। हाँ नहीं, मुझे लगा वो एच प्लस से अटैक कर रहा है। अगर लेफ्ट का निकला तो बेंजीन सिर्फ लेफ्ट में बनेगा ना, राइट में कैसे जाएगा वो? क्या क्या क्या, बेंजीन सिर्फ लेफ्ट में बनना चाहिए ना, लेफ्ट का एच निकला तो। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये एक साथ ही क्या है, दोनों हो रहा है एक्चुअली मॉलिक्यूल्स, ये एक मॉलिक्यूल एक साथ हो रहे। हाँ दो दो है। हाँ राइट ओके। नाइट्रोन एसिड फॉर्म, आज हमारी क्लास की स्पीड थोड़ी कम है, कोई बात नहीं, थोड़ा टॉपिक भी वैसा ही है। सी एच थ्री ये एनओ टू, अभी हमने क्या कर दिया इस पे, ये जो है सी एच थ्री अपना एक एच प्लस रिलीज कर देगा ओ एच माइनस को, तो ओ एच माइनस क्या करेगा इसके एक सी एच थ्री के सी एच टू के एच को खा जाएगा और ये एन डबल बॉन्डेड इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। फिर ये इधर कूदेगा, ये इधर कूदेगा, तो कूदा तो ये बन गया सी एच टू डबल एन और ये बन गया ओ माइनस, ये बन गया ओ। अब डेफिनेटली यहाँ पर आपको पानी मिल रहा है, खींच लेगा पानी, खींच लेगा तो क्या बन गया सी एच टू डबल एन ओ एच, इसको हम बोलते हैं नाइट्रो, इसको हम बोलते हैं एसी नाइट्रो। वेरी सिंपल, बस याद रखना है और कुछ नहीं। एग्जाम्पल वन दे दिया, एग्जाम्पल टू यहां पर है, ये ओ एच माइनस डाले, दिस इज नाइट्रो फॉर्म। व्हाट इज द एसी नाइट्रो फॉर्म? एन जो डबल बॉन्ड ओ था वो किस में कन्वर्ट हो गया ओ एच में, और इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज एसी नाइट्रो, इतना याद रखना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन गया और डबल ओ एच आ गया। बस कंडीशन यही है कि ये जिस कार्बन से ले रहा है ना उसके पास अल्फा एच होने चाहिए भाई। सही राइट, सही। हाँ अगर इधर मैं टर्शरी कार्बन ले लेता, सपोज सी एच, हाँ सी एच थ्री थ्राइस ले लेता, सी थ्राइस सी एच थ्री थ्राइस सी और एंडोजुल जोड़ देता, तो कुछ होता है इसका नाइट्रो एसी? नहीं, इसका नहीं बनता, नो अल्फा एच। चलो ये एक हो गया, नाइट्रो एसी बन गया। तीसरा मेन क्वेश्चन आपका उधर से आता है, कौन सा, कीटोइनॉल से, इनामाइन, इनामाइन एंड इनामाइन। व्हाट इज अमाइन? सी डबल बॉन्ड एन, सी और एन के बीच में डबल बॉन्ड आए तो एन के तो तीन लोन पे दूसरा एक तीन बॉन्ड बनते, तो ये एक बॉन्ड बना और ये सी एच थ्री, इसको हम बोलते हैं अमाइन। जब सी के साथ डबल बॉन्ड एन इस तरीके से आए और इसका ठीक है, इस तरीके से हमको सोचना है ऐसा, इसका इनाम। अभी क्या होगा, सी एच टू माइनस सी डबल बॉन्ड एन एच, ऑलरेडी एक लोन पेयर था तो लोन पेयर था तो एक और एक लोन पेयर आ गया, तो इसलिए हम बोलेंगे इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। फिर वाटर, वाटर से ये क्या करेगा एच को दे देगा, तो सी एच टू डबल सी एच, ठीक है, एन एच टू। सो दिस इज इनामाइन, यह है इन, यह है अमाइन, इनामाइन, इसको इनामाइन बोलते हैं। कंडीशन क्या है, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा एच होने चाहिए, ओके। ये मुझे पढ़े हुए काफी दिन हो गए, मैं तो डायरेक्टली इधर से ही बता रहा हूँ, कीटोइनॉल का खाली याद था ज्यादा से ज्यादा, ओके। एमाइड एंड इमिडॉल, अमाइड एंड इमिडॉल, तो अमाइड को समझते हैं,
आर सी डबल बॉन्डेड ओ एन एच टू, और इसका अगर आप बनाएंगे तो इमिडॉल ऑल ऑल बन रहा है, तो ऑल मतलब यहाँ, और आई मीन था तो सी डबल बॉन्ड एन, तो इसको बोलते हैं इमिडॉल। फिफ्थ वाला नाइट्रोसो एंड ऑक्सी ऑक्साइन, नाइट्रोजो का ऑक्साइन बनेगा, सपोज पी एच सी एच टू, ये नाइट्रोजो है ठीक है ना, दिस इज नाइट्रोजो, एक दो तीन चार, तो पी एच इधर आ जाएगा सी एच डबल एन ओ एच, दिस इज ऑक्साइन, ऑक्साइन ये होता है डबल बॉन्ड एन ओ एच होता है, एन से अगर ओ एच लगा है तो उसको ऑक्साइन बोलते हैं। तो इस केस में आप क्या देख रहे हैं, इस केस में इसके रिस्पेक्ट में अल्फा एच होने चाहिए, और अगर आप अमाइड और इमिडोल का देखेंगे, अमाइड और इमिडोल में एक्चुअली इंटरनल ट्रांसफर होता है, इधर अगर आप देखोगे एच जो है इंटरनल ट्रांसफर है, देख पा रहे ना, हाँ इधर का एच इधर का राइट, हाँ तो इधर अल्फा एच इधर होने चाहिए सर। हाँ बोलो, तो वहां टर्शियरी अमाइड नहीं होना चाहिए ना? नहीं नहीं टर्शियरी अमाइड नहीं ले सकते ना, कैसे लोगे तो फिर एच कहां से रिलीज होगा। हाँ नाइट्रोसो और ऑक्सीन में अगर देखोगे तो ये सेकंड है ये फर्स्ट है, अब बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड और फर्स्ट में, क्या क्या ये नाइट्रोसो ऑक्सीन में, नाइट्रोसो एक दिखा ऑक्सीन दिखा, स्टेबिलिटी सेकंड और वन में, हिंट देता हूँ दूसरा वाला, हाँ क्या रीजन दिया, उसको रिजोनेंस मिल रहा है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल लोन पेयर, वो पीएच भी तो है ना उसमें, क्या 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 फिनोल का ग्रुप है ना उसमें, फिनोल का ग्रुप भी है, हाँ वही ना, ये पीएच भी आ रहा है, हाँ पीएच से ही तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इधर आ रहा है ना, हाँ 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 तो स्टेबिलिटी क्या है हम बोलेंगे टू इज ग्रेटर देन, करेक्ट रीजन इज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ओके नाउ नेक्स्ट कितने बन गए हमारे पांच, छठा हाइड्राजीन एंड हाइड्राजोन, सॉरी हाइड्राजोन एंड एजोफॉल, एजो क्या होता है एन डबल एन, उसको हम बोलते हैं एजो, अभी तो आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पढ़ ली है, तो एन एच टू एन एच टू ये है आपका हाइड्राजीन, तो C डबल बॉन्डेड O NH2 C डबल बॉन्डेड O कीटोन में अगर आप हाइड्राजीन मिला देते हैं, कब कॉल है छोड़ो बाद में देखते हैं, इधर रख दीजिए C डबल बॉन्डेड ओ ये एन एन एच टू, तो बाकी कहाँ गया पानी बन के निकल गया ना, तो ये जो बना आपका सी एच थ्री सी एच डबल एन एन एच टू, दिस इज योर हाइड्राजोन, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन आया ओ एन ई हाइड्राजोन, ओन मतलब कीटोन, कीटोन से आया हाइड्राजीन का रिएक्शन कीटोन के साथ कराया तो हाइड्राजोन आया, तो अभी इसको कैसे करेंगे, सी एच थ्री सी एच सिंगल ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा एंड डबल एन एच, तो एजो ग्रुप आ गया एंड डबल बॉन्ड एन आ गया, और इधर सी एच टू, दिस इज द हाइड्राजोन, दिस इज एजो ग्रुप, दिस हाइड्राजोन एंड दिस इज एजो ग्रुप, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन आएगा कि आपको कि एजो और हाइड्राजोन में कौन ज्यादा स्टेबल है, एजो और हाइड्राजोन में हाइड्राजोन, एजो और हाइड्राजोन में
नहीं नहीं ये क्वेश्चन अलग था, दूसरे क्वेश्चन के लिए था, राइट। अगर मैं इधर फिनाइल लगा देता तो एजोस्टर स्टेबल हो जाता। ऐसा क्वेश्चन था कि अगर मैं यहाँ पर ये हाइड्राजोन है, हाँ अब इधर क्वेश्चन आता है कि कौन ज्यादा स्टेबल है, टू इज मोर स्टेबल और वन इज मोर स्टेबल। ये पूरा जीओसी क्वेश्चन है प्योर। तो आप क्या बोलते हैं, वन है क्या? टू वन है, वन वन का एक्सटेंडेड है ना, उसमें एक्सटेंडेड होगा ना, एक्सटेंडेड इधर लग रहा है ना, इधर लगा है डबल सिंगल, फिर ये पूरा फिनाइल के अंदर एक्सटेंशन में जा रहा है ना, उसमें पे लोन उधर भी है ना, डबल सिंगल लोन पेयर है ना इधर। अरे ये तो लोन पेयर है ना, लोन पेयर की बात हो रही है, ये तो लोन पेयर है, इसमें डबल फिर कहां है इन्वॉल्व हुआ इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में, तो आएगा ना वो। अरे तो ये कैसे आएगा डबल सिंगल, वो सी पे टूटेगा तो डबल सिंगल। हाँ सर समझो, ज्यादा तो आपका एक्सटेंशन इसमें आएगा ना टू वाले में। हाँ ओके, सो क्वेश्चन इज खत्म होने वाला है हमारा टॉटोमेरिज्म। कितना बच गया, 6 बज गया क्वेश्चन। कंपेयर इनॉल परसेंट, ये लिखिए नोटबुक में सर। हाँ बोलो, ऊपर वाले का रीजन बताओ ना फिर से, ऊपर वाले का रीजन बताओ ना, वही है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इनटू पीएच को खोल के देखो ना सर, फिर देख कर पहले वाले में सी पे तोड़ेंगे तो होगा ना फिर। हाँ वही तो, अगर वो सी और एन के बीच का डबल बॉन्ड है, वो अगर सी पे टूटा तो फिर एन और एन के बीच में बॉन्ड बन रहा है फिर से। बी सी डी थ्री, सी डबल बॉन्डेड और सी एच थ्री, एंड तीसरा मतलब सी सी डी थ्री, सी डबल बॉन्डेड हो सी डी थ्री। अभी आपको बताना है किसमें इनॉल परसेंट ज्यादा आएगा, मैं हिंट दे देता हूं। सी डी का बॉन्ड सी एच के बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग है स्ट्रेंथ वाइज। हाँ तो एबीसी होगा ना, तो इनॉल में कौन जल्दी जाएगा, ए वाला जाएगा, देन ए देन बी देन डी, वेरी गुड सी सॉरी। हाँ वही राइट, उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ना। हाँ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, हाँ सही, सीटी का बॉन्ड छोटा होता है ना, सीटी का सबसे छोटा होता है। हाँ स्लाइड्स खत्म हो गए मेरे, आप लोग थक नहीं गए पढ़ते पढ़ते? यही क्लास है जिसमें मजा आता है सर सबसे ज्यादा। क्या बात कर रहे हो। हाँ सर वो बाकी सब में बोर होता है। हाँ इसमें बोल सकते हैं आपके साथ तो मजा आता है। अरे आप लोग एडवांस एडवांस क्या बोलते हैं क्वेश्चंस है ना इसलिए। लेकिन देखो पहले बता दे रहा हूँ, जो लोग एडवांस प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मस्ट है कि पहले जेडब्ल्यू को उनका छूटना नहीं चाहिए। हाँ सही, नहीं तो क्या है पिछले साल का इस साल का रिजल्ट नहीं देखा। हाँ एडवांस एडवांस वो बच्चे बोल रहे थे तो गए, जेडब्ल्यू पार नहीं कर पाए। लेकिन आप कर लोगे इसलिए मैं क्या है आप लोगों को पूरा पकड़ के पहले जेडब्ल्यू का अच्छे से निकलवाऊंगा, उसके बाद एडवांस। हाँ हाँ
ओके सात बजे तक क्लास करते हैं, उसके बाद कुछ मालाएं भी बची हैं मेरी, माला भी कर लेते हैं ये लास्ट। चलो अभी ये है लास्ट इस इसका टॉटोमेरिज्म का ड्यूट्रियम एक्सचेंज रिएक्शन। सो इन ड्यूट्रियम एक्सचेंज रिएक्शन में CH3 C डबल बॉन्डेड और CH3 है, तो हमने क्या दिया D2O दिया और दूसरा इस D2O में से क्या निकलेगा, चलो ये D3O+ दिया और D3O+ में से कौन निकलेगा D+ निकलेगा, तो CH3 C डबल बॉन्डेड O लोन पर खींचेगा किसको, D को खींच लेगा और O के ऊपर आ जाएगा प्लस। अब इधर आ गया CH3, तो CH3 आ गया तो डेफिनेट सी बात है एक H प्लस निकल जाएगा आइदर ऑफ द साइड से, इधर से नहीं तो उधर से किसी से, तो एक H निकल जाएगा और H निकल गया तो CH3 COD और डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, राइट सही। फिर इतना होने के बाद फिर से ये रिएक्शन में फॉरवर्ड करता है, कैसे डी जाएगा, नहीं डी तो जाएगा लेकिन इन्होंने अच्छा ये क्या हो रहा है इस वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहां पर देखो ये जो CH2 आ गया ना अभी ये जो डी है ये जो डी है इधर शिफ्ट हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्डेड O और ये जो है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो जैसे ही ये D है तो ये क्या करेगा, ये अपना बॉन्ड इधर देने का प्रयास करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये बॉन्ड टूट गया तो ये बॉन्ड कहां चला जाएगा, खिसक कर इस वाले पोर्शन पर लग जाएगा। जैसे ये बॉन्ड गया इधर तो D इधर से निकला होगा माइनस फॉर्म में, तो D इधर माइनस फॉर्म में निकला तो इधर प्लस दिखा तो इधर जाके लग जाएगा ऑटोमेटिक, तो इधर CH2D आ जाएगा। अब यहां पर पानी में पहले से इसके पास D था तो फिर से ये D प्रोवाइड करेगा, फिर ये कहां यहां पर क्या आएगा, फिर D के साथ रिएक्शन करेगा और फिर D के साथ रिएक्शन करेगा, फिर एक कैसा आएगा, फिर दो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन को भी D बना देगा, फिर से वो रिएक्शन करेगा, फिर इधर तीन हाइड्रोजन है तो एक एक करके रिएक्शन तब तक प्रोसीड होती चली जाएगी जब सारे के सारे हाइड्रोजन हो जाए, राइट वेरी गुड। जो C डबल बॉन्डेड होके जो लेफ्ट राइट में जस्ट लेफ्ट राइट वाले वो सारे के सारे D में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब तक चलता रहेगा लाइक दिस इट प्रोसीड्स एंड फाइनल जो रिएक्शन बनता है, फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है CD3 डबल बॉन्ड CD3 बनता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है और इसको हम बोलते हैं ड्यूट्रियम एक्सचेंज रिएक्शन। सर वो नीचे क्यों आया एक बार बताओ, नीचे ऐसे क्यों आया, क्योंकि देखो अगर खाली H+ होता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी ये D ये देखो ना ये रेजोनेंस में जाना चाहता है। सी हमेशा क्या होता है कीटो इनोल में जाता है, इनोल कीटो में जाता है, आप लोग तो ये मानते हैं राइट हाँ। तो कीटो इनोल में जाता है, इनोल कीटो में जाता है, तो इधर आप क्या देख रहे हैं कीटो इनोल में गया तो फिर इनोल भी तो कीटो में जाएगा। अब जब इनोल कीटो में जाएगा तो D- रिलीज होगा, अब वो D- जब रिलीज होगा तो इधर C+ बना होगा टेम्पररी टाइम के लिए, तो D वहां जाके चिपक जाएगा। हाँ, समझा ना, इसलिए वो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलने लगता है। तो अभी आप इसका प्रोडक्ट बनाइए, सपोज हमारे पास ये है डबल बॉन्डेड O और ये हम दे रहे हैं इधर D3O+ दे रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या आएगा जरा बताओ, बनाओ पहले बनाओ, अगर हो गया वो साइड के D2 बन जाएगा ना CD2। हाँ
ये डी डी बन गया, इधर डी डी बन गया, और इधर सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, इधर डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड ही रहेगा। हाँ 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 वो ही रहेगा। बट इसने बस खाली टॉटोमेरिज्म का इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसा कुछ टॉटोमर जैसा प्रोडक्ट नहीं है। अगर इन दोनों को बोला जाए थोड़ी ना एक दूसरे के ये है टॉटोमर्स है, ये टॉटोमर्स नहीं है, इस रिएक्शन ने टॉटोमर टूल को इस्तेमाल किया। ठीक है, ऑल अल्फा एच इस ऑल अल्फा एच आर कन्वर्टेड, ऑल अल्फा एच आर रिप्लेस्ड, सारे अल्फा एच रिप्लेस्ड हो गए। तो ये हो गया हमारे ड्यूट्रियम रिएक्शन। तो हमारा ये टॉटोमेरिज्म खत्म हो गया। जब भी जी आई बचा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो जी आई तो फिर कल ही पढ़ते हैं, है ना? कल लेंगे ना क्लास? कल क्या है, संडे है? संडे हाँ। अरे तो संडे लें क्या? संडे तो सुबह हमारी कर लेना पड़ेगा ना। तो आप लोग लो, आप लोग छुट्टी करो, जो पढ़ाई है हफ्ते भर का रहेगा। मैं भी कल थोड़ा सा क्या है, इधर भी साफ सफाई रहती है संडे को, और मेरे को भी आगे का प्रिपरेशन करना पड़ता है। क्या सर कर लेने वाले है क्या? नहीं नहीं कल नहीं लेता मैं, मंडे लूंगा मंडे। हाँ ठीक है चलेगा। ठीक है, और कुछ असाइनमेंट दो ना सर। क्या क्या? होमवर्क असाइनमेंट कुछ तो दो ना। हाँ होमवर्क असाइनमेंट ना, मेरे को एमएस जॉन की किताब देने में कोई दिक्कत नहीं है, एमएस जॉन में दे भी दूंगा, लेकिन उसमें क्वेश्चन मिक्स्ड है। तो आप लोगों को याद होगा एनसीईआरटी बूस्टर एक था आप लोगों के पास, जो बहुत टफ था।